let us start trigonometry. But what are the application of trigonometry? Why are we studying in mathematics? The reason is very simple. Surveying हो, चाहे वो सिविल सर्वे हो, माइन सर्वे हो, या कोई साइंटिफिक रिसर्च का कोई कैलकुलेशन सॉल्व करना है, जहां पर एरिया से संबंधित कोई चीज आती है, एंगुलर मेजरमेंट की बात आती है, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री के बिना मदद से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम बहुत इजी तरीके से आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। ये पहला क्लास है, इसके बाद धीरे धीरे बताएंगे तब आप लोग को समझ आने लगेगा और बहुत तरीके से समझ आएगा। हम बहुत अच्छा से आप लोग को बताएंगे, देखते रहिएगा तब समझ आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कितने रेशियो हैं? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, ठीक है। इनको शॉर्ट में क्या क्या बोलते हैं? साइन, कॉस, कोसेक, टेन, कॉट, सेक, ठीक है। इन सब को हम निकालेंगे और एक पाइथागोरस थ्योरम को आप जानते हैं, उसका इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा बहुत जगह। एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने, राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स अ ट्राइंगल विच हैज वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल इज एक्यूट एंगल, दैट मीन्स लेस देन 90 डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट? अब हमने एक फिगर यहां बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल का, एक यहां बना दिया, इसलिए बना दिया। कई बार यहां पे यदि हम बता देंगे कि ये एसी हाइपोटेनियस है तो हर बार बच्चा गलती से एसी को हाइपोटेनियस लिखेगा। अब इस फिगर में कहा एसी हाइपोटेनियस, यहां तो बीसी हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाला अपोजिट जो साइड होगा दैट इज हाइपोटेनियस। ये बेस है, ये बेस के ऊपर यदि हम सीधा लाइन खींच दे, ये सीधा लाइन जो खींचते हैं, वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ करते हैं, वो बेस के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज द 90 डिग्री, या जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल, 90 डिग्री को ही राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। और ये बेस का टो मतलब फुट और इसका ये अपेक्स, इन दोनों को मिला दे तो ये मिल गया हमको हाइपोटेन्यूस, शॉर्ट में इसको एच वाई पी लिखते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका बेस और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस एंगल को आप ले रहे हैं। मान लो जैसे हमने एंगल ए लिया जिसको नाम हमने दे दिया थीटा, ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री कुछ हो सकता है, हो सकता है, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल है तो लेस देन 90 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्योंकि ना तीनों का मिला के 180 ना होगा, तीनों एंगल का सम कितना होगा? राइट ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, ये 90 है तो इन दो का वैल्यू 90 से कम होगा, तब नहीं दोनों मिलके 90 होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये कुछ वैल्यू हो सकता है लेकिन लेस देन 90 होगा, ठीक है। अब हम लिए साइन थीटा, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या लिया? साइन थीटा। साइन थीटा कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला हाइपोटेनियस, या हाइपोटेनियस हुआ और ये आपका परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हुआ आपका बेस। तीनों चीजें रहेगा ट्रायंगल में, तीन चीज रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, एक हाइपोटेन्यूज होगा, एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साथ में हम लिख रहे हैं पी आर पी लिखा मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। और साइन का इनवर्स होता है कोसेक थीटा। क्या होता है कोसेक थीटा? आपके बुक में ऐसा नहीं दिया होगा, साइन के बाद कॉस दिया होगा, लेकिन हम नहीं दे रहे आपको वैसा, उसके पीछे कुछ कारण है। साइन थीटा का इनवर्स होता है कोसेक, तो मतलब इसका उल्टा कर दीजिए कुछ नहीं, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस था, अब ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। टेन थीटा देखिए आप टी ऐसा बनाए ऐसा करके ऐसा कर, तो ये ऐसा जो सीधा वर्टिकल लाइन बोला इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर है। ये क्या हो गया आपका बेस, याद रखने के लिए बता रहा हूं। तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा?
परपेंडिकुलर बाय बेस, को दिक्कत है जी। अब टेन का इनवर्स होता है कॉट थीटा, तो इसका उल्टा कर दीजिए, ये परपेंडिकुलर बाय बेस था, ये क्या होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। यही से देख के एकदम आपको दो बार याद रखना है कि साइन का आपको फॉर्मूला याद है तो कोसेक का अपने आप याद हो गया, टेन का याद है कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो कॉट का क्या होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, इसका जस्ट अपोजिट। अब एक दो और बचा कॉस थीटा और सेक थीटा, ऊपर मिटा के करते हैं ठीक है। कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा बेस बाय, दोनों साथ में लिख दो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, क्योंकि सेक का इनवर्स क्या होता है कॉस का इनवर्स क्या होगा सेक, तो सेक का इनवर्स क्या होगा कॉस। यदि मैं आपके अपोजिट हूं तो आप भी मेरे अपोजिट ना है, अब मैं इधर से आपको देख रहा हूं उधर से आप मेरे देख रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हुए ना जी ठीक है। ये हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तो आपको याद चाहिए चाहिए, कुछ फंडामेंटल आपका आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री में, उसको देखते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज। साइन थीटा हम आपको बता रहे थे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या बोला, साइन का इनवर्स क्या होता है साइन का इनवर्स होता है कोसेक, इनवर्स किसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ एक्स, मैं भी ऐसा लिख दू इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा इसका मतलब वन बाय एक्स, और इसी वन बाय एक्स को हम ऐसा भी लिखते एक्स रेस टू दी पावर माइनस वन, यदि कहीं लिखा है एक्स रेस टू दी पावर माइनस टू इसको क्या करेंगे वन बाय एक्स स्क्वायर, ये दोनों बात क्या है एक ही है, कई बार कैलकुलेशन करते वहां आता है ऐसा हाँ 15 इंटू 10 रेस टू माइनस 3, अब बच्चा लोग का बकाने लगता कुछ छोटी एक बकाना 15 का 15 लिखे इंटू वाले को डिवाइड में लाइए तो ये 10 हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा 10 रेस टू दी पावर 3 हो जाएगा, ये जिसको क्यूब बोलते हैं यही ना है ठीक है। और एक चीज हम बता दे रहे हैं ऐसा कहीं लिखा है मीटर पर सेकंड, इसको ऐसा भी लिखते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, ये वाला बात एक ही है ठीक है, ये डिवाइडेड बाय ना है। तो साइन का इनवर्स क्या होता है कोसेक, तो साइन का इनवर्स मतलब वन बाय कोसेक थीटा ठीक है। यदि कहीं पे आप जब ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा और वहां वन बाय कोसेक थीटा आ गया तो उसकी जगह कितना लिखेगा साइन थीटा, कई बार साइन थीटा की जगह इतना लिखेगा समझे, वन बाय कोसेक थीटा की जगह आपको कभी कभी साइन थीटा लिखना होगा और कभी कभी साइन थीटा की जगह इतना लिखना होगा, क्योंकि साइन का इनवर्स क्या होता है वन बाय कोसेक थीटा एक। दूसरा तो साइन का इनवर्स कोसेक हुआ तो कोसेक थीटा का इनवर्स क्या होता भैया, अरे भाई मैं आपके अपोजिट हूं तो आप मेरे अपोजिट है ना जी, तो साइन का होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा का इनवर्स क्या होगा वन बाय साइन थीटा, तो कहीं पर वन बाय साइन थीटा है फट से उठा के आप इतना वैल्यू रख दीजिएगा ठीक है, वन बाय साइन थीटा है तो कोसेक थीटा लिख दीजिएगा, या कई बार कोसेक थीटा की जगह प्रॉब्लम में आपको वन बाय साइन थीटा रखना होगा। ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज को एकदम याद रखिएगा, ये दो को एक बॉक्स बना के अलग कर दीजिएगा ठीक है। अब दूसरा आएगा टेन वाला, छह ही ना है जी, टेन थीटा, टेन थीटा के लिए दो है हम बता रहे, टेन थीटा का इनवर्स क्या बताया था उधर कॉट थीटा मतलब वन बाय कॉट थीटा ठीक है, और कॉट थीटा का इनवर्स क्या होगा टेन थीटा तो वन बाय टेन थीटा ठीक है। ये एक ये बॉक्स बना लीजिएगा एकदम याद करने के लिए अलग से, टेन थीटा का इनवर्स कॉट थीटा मतलब वन बाय कॉट थीटा का इनवर्स वन बाय टेन थीटा ठीक है, वन बाय टेन थीटा का मतलब हो गया कॉट थीटा, वन बाय कॉट थीटा का मतलब कितना होगा टेन थीटा ठीक है। और इनके लिए टेन थीटा का और एक आइडेंटिटीज है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कभी कभी साइन थीटा बाय कॉस थीटा रहेगा प्रॉब्लम में, आपको कैलकुलेशन करते जाइएगा तो वहां पर आपको कभी कभी कितना रखना होगा टेन थीटा, हर बार नहीं जहां जरूरत होगा वहां,
और कभी भी टेंथ डालेगा उसको ऐसा लिख देंगे हम। तो कई बार बच्चा लोग को नहीं मालूम रहता तो बकाने लगता है कि कहां से आ गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। भैया टेन थीटा का मतलब ही होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और अभी यह बताया कि टेन का इनवर्स क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू रहेगा तो क्या लिखिएगा, ये वाला को उल्टा ना कर दो भैया, साइन बाय कॉस था तो यहां क्या जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, एक ये बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, इतना समझ आ रहा ना? और बता रहे रुकिए, कॉस थीटा इसका इनवर्स क्या बताए थे, क्या होता है इसका उल्टा कोसेक, सॉरी सेक, तो क्या आएगा वन बाय सेक थीटा। यदि मान लो मैं अभी कहीं ऐसा लिख दू कॉस ए तो क्या लिखेगा यहाँ पे वन बाय सेक ए, ना कि थीटा लिखेगा, यहाँ थीटा के बजाय हम कितना ले लिया भैया, एंगल कितना लिया बाबू ए, तो हो जाएगा वन बाय सेक ए। यदि कहीं ऐसा लिख दिया कॉस ए सी तो कॉस सी एंगल लिया सी, तो क्या जाएगा वहां पे वन बाय सेक और एंगल हो जाएगा सी। ठीक है, अब सेक थीटा का इनवर्स क्या होगा कॉस, तो क्या आएगा वन बाय कॉस थीटा। ये वाले को भी बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, ऐसे बॉक्स बना के जोड़ी जोड़ी में याद रखिएगा, याद रखने में इजी आएगा। इसके अलावा पाइथागोरियन आइडेंटिटीज भी है, क्या है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। एक नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है वन। ठीक है, इसको प्रूफ करके भी हम दिखाएंगे ये वन कैसे होता है, इसको प्रूफ करके भी हम दिखाएंगे। इसको देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, इसको हम प्रूफ करेंगे बाद में। पहले ये देख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, हम इसको साइन स्क्वायर थीटा को यही रहने दिए, इक्वल को यही रहने दिया, वन को भी यही रहने दिया, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाएंगे, साइड उसका चेंज करेंगे तो प्लस वाला कायम हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब कहीं पर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया तो कितना लिखेगा साइन स्क्वायर थीटा, कई बार साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपको इतना लिखना होगा। ठीक है, ये तो हम साइन स्क्वायर थीटा, मान लो मैं कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर इसी फार्मूला से निकालना चाहूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल का इक्वल रहने दिया, वन को यही रहने दिया, यहां कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है प्लस है, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कितना रखेगा आप कॉस स्क्वायर थीटा, कभी कभी कॉस स्क्वायर थीटा की जगह इतना रखना होगा। तो इस एक फार्मूला से कितने फार्मूला निकले, तीन फार्मूला निकले। ठीक है, समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट आइडेंटिटी लेते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कई बार आपको प्रॉब्लम है सेक स्क्वायर थीटा रहेगा खट से इतना लिखना होगा, कई बार इतना रहेगा तो इतना लिख देना होगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल ना है। अब यहां से भी दो और फार्मूला निकलेंगे, ये टेन स्क्वायर थीटा को मैंने यही रहने दिया, ठीक है, इक्वल को भी यही रहने दिया, सेक स्क्वायर थीटा को भी अपने जगह में रहने दिया, ये प्लस वन था इधर जाके क्या हो गया माइनस वन। एक फार्मूला लिखना ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अब जब प्रॉब्लम कीजिएगा चार बार, चार को प्रॉब्लम कर लीजिएगा, जब हम आइडेंटिटी सॉल्व कराएंगे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसलिए बता रहे कि मालूम रहेगा जब ना आपको वहां बोलना पुराएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला निकला, ठीक है, दूसरा ये टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल में निकाला था, अब मान लो ये हम वन रह दिया यहीं पे, ये वन को अपने जगह में रहने दिया, इक्वल को अपने जगह में रहने दिया, सेक स्क्वायर थीटा को अपने जगह में रहने दिया, तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आया, कितना रखेगा वन, कहीं प्रॉब्लम इतना रहेगा खट से लिखा जाएगा वन। अब नहीं मालूम रहेगा तो बोलेंगे कहां से माना गया, कहां से आया sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है वन। कोई दिक्कत, मतलब इस एक फार्मूला से कितने निकले और दो फार्मूला निकले,
ठीक, अब नेक्स्ट और एक आइडेंटिटी देख रहा है, देखिए 1 + cot² थीटा, अभी हम क्या देखे 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू क्या देखे थे sec² थीटा, अब यहां क्या देख रहे 1 + cot² थीटा, ये होगा cosec² थीटा, यहां से भी क्या होगा cot² थीटा इज इक्वल टू निकालना है क्या होगा ये cosec² थीटा यहीं का यहीं रहेगा, माइनस कर देंगे 1, एक फॉर्मूला निकला। दूसरा इधर 1 को यहीं रहने दिया और ये इक्वल यहीं रहने दिया, cosec² थीटा को भी अपने जगह में रहने दिया, और ये +cot² थीटा को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -cot² थीटा, ठीक है। तो cosec² थीटा -cot² थीटा रहेगा, कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत है। अब हम छोटा छोटा न्यूमेरिकल चालू करेंगे, उसके बाद फिर बड़े बड़े आइडेंटिटीज करेंगे, ठीक है। एकदम जो बेसिक बच्चे उनके लिए क्या दिया है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 फाइंड टेन थीटा एंड कॉट थीटा। ये साइन थीटा का वैल्यू दे दिया, कॉस थीटा का वैल्यू दे दिया, और आपको कैलकुलेट करना है टेन थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं टेन थीटा क्या फॉर्मूला होता भाई, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बताए थे कि नहीं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्योंकि साइन और कॉस दोनों का वैल्यू दिया है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं टेन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया 3/5 और होल डिवाइडेड बाय कितना है कॉस थीटा कितना वैल्यू दिया है 4/5, ठीक है। ये 3/5 को ऐसे ही रहने दिया, ये जो डिवाइडेड बाय था इसको काहे में बदल दिया मैंने मल्टीप्लिकेशन में, तो जब मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे तो यहां जो नंबर लिखे है वो इनवर्स हो जाएंगे, 4/5 के बजाय कितना हो जाएगा 5/4, ये 4/5 के बजाय कितना हो जाएगा जब इनटू में जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, ये 5 से 5 कट गया। तो आपका टेन थीटा किसके इक्वल में निकाल रहे हैं टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 3/4, दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर, एनी प्रॉब्लम। अब आएगा आपका कॉट थीटा, क्या बोला था भैया टेन का इनवर्स होता है कॉट, बोला था ना, मतलब टेन थीटा क्या होता साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये इसका उल्टा कर दीजिए काट का क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यहां वैल्यू आपको तो वैल्यू दिया हुआ है, यहां पर दिया है ना कॉस थीटा का 4/5, साइन का दिया है 3/5, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए कितना है 4/5 डिवाइडेड बाय कितना है 3/5, ये 4/5 ये डिवाइड को काय बदल देंगे मल्टीप्लिकेशन में, कितना होगा 3/5 का क्या हो जाएगा 5/3, यहां भी 5 से 5 कट गया, यहां कितना हो गया 4/3, और ये क्या हो गया मेरा कॉट थीटा। और हम आपको बताए थे टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, टेन का वैल्यू 3/4 है तो कॉट का उल्टा है कि देखिए ये 3/4 की वजह क्या है 4/3, इसका उल्टा है कि नहीं 4/3 हुआ, तो मतलब हमारे आंसर भी कैसे है सही है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ये सब बेसिक क्वेश्चन, सब बड़े क्वेश्चन आना बाकी, पहले ये सीख लीजिए तब उनको समझने में मजा आएगा। इफ साइन ए इज इक्वल टू 5/13 एंड 0 इज लेस देन ये, ए इज लेस देन 5/2, ये सबसे आपको लेन देन नहीं, आपको क्या निकालने पूछ रहा, फाइंड द रिमेनिंग रेशोस, कितने रेशोस बताए थे हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बताए थे, देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, साइन ए दे दिया मतलब और 5 बचे ना आपके रिमेनिंग, मतलब बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपको निकालना है, क्या क्या निकालना है कोसेक सेक कॉस टेन कॉट निकालना है 5। अब टेन निकालना मान लो तो टेन का क्या फॉर्मूला होता है, ऐसा बताए थे हम टेन को याद रखने के लिए, ऐसा बोले थे ये क्या हुआ सीधा लाइन को क्या बोलते परपेंडिकुलर, यह हुआ बेस, तो टेन में क्या कहते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस चाहिए ना जी ठीक नहीं, कॉट उल्टा कर दिया बेस बाय परपेंडिकुलर, तो
तो भी बेसी, अब यहाँ पे 5/13 है, क्या मतलब साइन ए इज इक्वल टू 5/13। अब इसमें नाम दे देते हैं, मान लो ये ए बी सी है, ये एंगल हो गया 90 और ये एंगल ले रहा है थीटा, ये एंगल ले रहा है ए, ए बोला ना थीटा की जगह कितना लिखा है ए, तो क्या ले रहे ए, तो 5/13 साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का क्या फार्मूला बताए थे स्टार्टिंग में, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया 5, हाइपोटेन्यूज हो गया 13, देखिए वही फिगर में दिखा है, ये 5 दिखा दिया ये 13 दिखा दिया, क्लियर, ये कैसे 5 लिख दिया कैसे 13 लिख दिया, 5 और 13 लिख दिया, समझ आया, ये जो है आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपको याद दिया हुआ है, लेकिन बेस दिया है क्या नहीं, तो बेस को कैलकुलेट कर लेना होगा, तब ना बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को आप निकाल पाइएगा। तो हम क्या निकाल लें सबसे पहले बेस, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो फार्मूला लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो कैसे निकलेगा भैया, निकाले कई तरीके, पाइथागोरस थ्योरम से भी निकल जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से भी निकल जाएगा, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से निकाल देते हैं। क्या रिलेशन बताए थे हम एक रिलेशन बताए थे आप लोग को याद होगा, क्या रिलेशन बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, साइन का तो वैल्यू दिया हुआ है, तो हम कॉस निकाल सकते हैं ना, तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे थीटा ना लेके ए ले लेंगे, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 है जी, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 का 1 रन दिया, माइनस का माइनस रन दिया, साइन का वैल्यू कितना दिया है, ये दिया हुआ है 5/13, तो इसलिए दिया 5/13, स्क्वायर है ख्याल रखिएगा, तो ये स्क्वायर में लिखना होगा, इसी को छोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा गड़बड़, तो कॉस स्क्वायर ए निकल जाएगा आपका 1/1 माइनस कुछ नहीं मतलब डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, छोटी क्लास में पढ़े थे ना, अब इसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ गया 169 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 1, तो कितना होगा, नहीं समझ आता जिनको तो ऐसा बाबू एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करते हैं, क्या करते हैं एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आपका है 1 और ये न्यूमरेटर भी यहां है 1, तो जो आंसर आया मान लो मेरा आंसर आया जी, कितना आंसर आया जी, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करने के बाद जी आया, इस जी को इंटू कर देंगे काहे से न्यूमरेटर से, एनयूएम मतलब न्यूमरेटर से, इतना कहीं पे आप रफ में लिख के रखिएगा एलसीएम के टाइम पे, कैसे निकालते हैं यहां जो एलसीएम का नंबर रहेगा डिवाइडेड बाय करेंगे डिनोमिनेटर, उससे मान लो आंसर मेरा आया जी, एक एग्जांपल के लिए हम जी लिए, इस जी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम न्यूमरेटर से, ठीक है। अब क्या किया 169 डिवाइडेड बाय 1 मतलब कितना हुआ 169 इंटू कितना कर देंगे 1 मतलब कितना हुआ 169, तो इसके जगह में यहां कितना आ गया 169, ये माइनस का माइनस रहेगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे हम इस एलसीएम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे न्यूमरेटर 169 डिवाइडेड बाय 169 कितना हो गया 1, इस 1 का इंटू कैश कर देंगे हम 25 से कितना आएगा 25, क्या कितना हो गया 25, ठीक है। क्या निकल रहा हमारा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अब इधर लिखते चलते नहीं तो वहां दिखेगा नहीं, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो गया 169 माइनस 25 कितना हो गया बाबू 144 डिवाइडेड बाय 169, हम क्या निकालेंगे कॉस ए। हाँ, अब यहाँ एक चीज बताते हैं, आप लोग ऐसा पढ़ते हैं ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर जो है इसके ऊपर स्क्वायर रूट हो जाता है, स्क्वायर रूट 25 हो जाता, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट 25, सेम पैटर्न यहाँ होगा, यहाँ कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू इतना है, हम क्या निकाल देंगे कॉस ए, तो ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट 144 बाय 169 कॉस ए इज इक्वल टू, इसका हम 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 12 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 13, मतलब कॉस ए की भी वैल्यू आप
निकाल लिए। अब कॉसे का मतलब क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए कॉसे क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहां बेस में कितना लिख देंगे 12, हाइपोटेन्यूज में कितना लिख देंगे 13, और आपको साइन वाले में 13 ऑलरेडी दिया हुआ था, यानी कि यहां पे इससे करेंगे तो अलग आएगा, इससे पहले दिया था अलग हो गया। यदि आपका ये वैल्यू या 13 कंफर्म नहीं होता तो क्या होता, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिए, तो आपका बेस भी आ गया, सब आ गया। अब इस ट्राइंगल के तीनों साइड आपके पास अवेलेबल है, तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को निकालते हैं। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, पहले निकाल देते हैं टेन थीटा, कॉस निकल गया ना जी, कॉस ए निकल गया, एक हमारा क्या निकला है कॉस ए, कितना निकला था 12/13, एक ही आंसर हो गया मेरा, ठीक। अब निकाल देंगे टेन ए, क्या निकालेंगे, थीटा नहीं लिखेंगे, अब यहां थीटा क्या एंगल दिया ए, टेन ए, टेन ए क्या होगा साइन ए बाय कॉस ए, बताया ना जब आइडेंटिटी, तो साइन ए का वैल्यू कितना है 5/13 डिवाइडेड बाय, ये होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय भी इक्वल लगेगा, कॉस ए का वैल्यू कितना है 12/13, इसको हम करेंगे कितना होगा 5/13, ये डिवाइडेड बाय को मल्टीप्लिकेशन चेंज करेंगे तो 13/12 इनवर्स लिख देंगे, उल्टा 13 से 13 कट गया तो कितना हो गया 5/12, एक ये मेरा आंसर आ गया, ये किसके बराबर आया 10 ए के बराबर आ गया, ठीक है। अब कॉट ए निकाल देंगे, कॉट ए क्या होता बाबू, कॉस ए, कॉस ए बाय साइन ए, कॉस का वैल्यू कितना है 12/13, इसका होल डिवाइडेड बाय कितना है साइन ए, साइन ए कहा है 5/13, तो 12/13 को ऐसे ही रहने दिया, इंटू कर दिया कितना हुआ 13/5, 13 से 13 कट गया कितना बचा 12/5, ये क्या निकल गया मेरा कॉट ए निकल गया, बचा दो और निकाल रहे, रुकिए हाँ, कोसेक ए, कोसेक कैसे निकालेंगे 1/sin a, फॉर्मूला बताए थे ना जी आइडेंटिटीज में कि 1/sin a का मतलब कोसेक ए होता है, 1 का 1 नहीं दिया, sin a का वैल्यू दिया आपको 5/13, तो 1 का 1 नहीं दिया, इंटू किया इस डिवीजन को हमने कहां बदल दिया मल्टीप्लिकेशन में, कितना हो जाएगा 13/5, 1 से इंटू होगा 13 का होता है 13/5, और साइन का इनवर्स क्या होता है कोसेक, साइन 5/13 था तो कोसेक 13/5 आए कि नहीं, उल्टा हुआ कि नहीं इससे, ठीक। अब बचा एक सेक, सेक ए, सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, कॉस क्या है अपना 12/13, तो इसका आएगा तो क्या आना चाहिए 13/12 आना चाहिए, इसका आंसर देखिएगा आएगा कि नहीं 1/cos ए होगा, हाँ 1/cos ए की वैल्यू आप पहले निकाल के रखे 12/13, कितना लिख के रखे 12/13, तो 1 का 1 नहीं दिया, इंटू करेंगे तो 13/12 हो जाएगा, तो sec a कितना हो गया 13/12, लेकिन ये जो अभी तक के हम आपको बताए बहुत बेसिक वाला चीज है, अभी आपको चालू किया, अभी मेन ट्रिग्नोमेट्री आना बाकी है।